हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो जो कि रिलेटेड है आर्मी एमईएस के अपकमिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। जो एग्जाम सिलेबस है न्यू पैटर्न पर आधारित, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये रिक्वेस्ट आ रहा था। वो कमेंट कर रहे थे कि मैम आर्मी एमईएस का सिलेबस बता दो। तो इसका जो प्रीवियस वीडियो है ना, उसमें मैंने मैथ्स का सिलेबस बता दिया है। 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड आपका जीके जीएस का क्वेश्चन होता है। तो आज की इस वीडियो में मैथ्स के अलावा जो तीनों सब्जेक्ट है उसके बारे में ना मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या सब सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि टोटल पोस्ट जो इस बार आई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है, आर्मी एमईएस के लिए 41,822 सीट्स रहने वाली है। तो सीट्स काफ़ी अच्छे खासी है, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन जो है फ्रेंड्स, वो आपको 17 जुलाई को जारी कर दिया गया था। किसी रीज़न से डिले हो रहा है, तो हम लोग अपनी तैयारी को तो डिले नहीं कर सकते ना। तो आइए हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। रीजनिंग के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको 8 सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहने वाला है। ओहो, 8 चैप्टर का क्वेश्चन रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉजी का क्वेश्चन होगा, सेकेंड चैप्टर है ब्लड रिलेशन, थर्ड है कोडिंग डिकोडिंग, फोर्थ है नंबर सीरीज, फिफ्थ जो चैप्टर है नॉन वर्बल रीजनिंग का रहेगा, सिक्स है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग, सेवेंथ है पजल एंड एट्थ एंड लास्ट चैप्टर है आपका वर्बल रीजनिंग का। सो आई होप कि रीजनिंग का जो चैप्टर है वो तो आप समझ गए होंगे, पर आप इसकी बेहतर तैयारी कहाँ से करोगे कि आपका जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर आए, आप एक सीट अचीव कर पाओ। तो चलो मैं उसके लिए आपको एक बेस्ट बुक ना सजेस्ट कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से न्यू बुक, इंडियन आर्मी एमईएस के लिए ये बेस्ट बुक रहने वाला है। इसमें फ्रेंड्स आपको जो है 2850 प्लस वस्तुनिष्ठ यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक हल सहित, और ये आपको एज पर न्यू पैटर्न मतलब न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सारा कुछ बताया गया है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट वाइज ना जो एग्जाम रेलेवेंट चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सब कुछ ना डिस्क्रिप्टिव वे यानी व्याख्यात्मक हल के साथ दिया हुआ है। और आप लोग देखो बुक में कितना अच्छा से सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप भी इस बुक को खरीदना चाहते हो तो मिल जाएगा आपके नियर बाय बुक स्टोर्स पे, तो आप जाके अपने नज़दीकी किताब दुकान से इसको खरीद सकते हो। तो चलिए अब हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश में आपको 7 चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आपका क्लॉज टेस्ट से रहेगा, सेकेंड आपको एंटोनिम रहेगा, थर्ड आपका सिनोनिम्स रहेगा, फोर्थ जो चैप्टर है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएगा, फिफ्थ स्पॉटिंग एरर्स मतलब कि आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें से आपको ना एरर स्पॉट करना होगा कि ग्रामेटिकल एरर है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होता है वो रहेगा, सिक्स आपका सेंटेंस करेक्शन रहेगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा उसमें आपको रहेगा कि ये उसका गलत या फिर बिगड़ा हुआ रूप है, आपको उसको सुधार के बताना होगा कि कौन सा ग्रामेटिकल उसका सही फॉर्म होगा उस सेंटेंस का, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट लगभग ये सब आप हर जो एग्जाम का तैयारी करते होंगे कंपटीशन के लिए वो सब में नॉर्मली ये सारे चैप्टर पूछे जाते हैं। ये डिफेंस का एग्जाम है इसलिए आपको यहाँ पे सिलेबस जो है कम देखने को मिलेगा, ज़्यादा वास्ट इंग्लिश से नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस का क्या है सिलेबस। इसमें आपको 6 चैप्टर से पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री मतलब भारत और इसके पड़ोसी जो देश है इनके बारे में आपको जो है करेंट अफेयर्स या फिर उससे रिलेटेड हिस्ट्री का जो कुछ भी रहता है वो सब यहाँ पर पूछा जाएगा। सेकेंड चैप्टर आपका हिस्ट्री से रहेगा, जो भी हो वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री सब कुछ आपको पढ़ लेना है। थर्ड कल्चर यानी कि संस्कृति से पूछा जाएगा। फोर्थ स्पोर्ट्स यानी खेलकूद। फिफ्थ में आपका इकोनॉमिक साइंस से पूछा जाएगा। एंड सिक्स और आपका लास्ट जो चैप्टर रहने वाला है जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो सामान्य आपका राजनीति शास्त्र है उससे तो पूछा ही जाएगा, उसके साथ साथ ना आपका जो संविधान से रिलेटेड अनुच्छेद जो कुछ भी रहेगा
तो ये सब आप सिलेबस आई होप कि समझ गए होंगे। और इसका जो मैथ का सिलेबस है ना वो काफ़ी वास्ट है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके मैथ के सिलेबस को देख लेना। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो आपको अभी बताया है सिलेबस, जो एग्ज़ाम पैटर्न न्यू से रिलेटेड है, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस के, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी को करो। इन सारे चैप्टर के ना आप जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है उसको बनाओ, फिर अपकमिंग जो मॉडल पेपर्स होते हैं उनसे भी आप क्वेश्चन बनाओ। तो आई होप कि आप ये सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इन वीडियोस को शेयर कर देना ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी अच्छी वीडियो के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।